नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज रोटरी क्लब ऑफ कानपुर द्वारा कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा सामाजिक हित में रोटरी मास्क बैंक की स्थापना स्थानीय रोटरी शहीद पार्क नाना राव पार्क कानपुर में किया गया। बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बड़े भाइयों के रूप में हैं, सम्मानित बुजुर्गों के रूप में हैं, नौजवान साथियों के रूप में हैं, उपस्थित सभी सम्मानित रोटरी भाई और बहन। मैं कोई भी अच्छा काम समाज में जिस समय किया जाता है तो उसमें मुझे जोड़ा जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कभी कभी हम लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशन अरे बुरी फोटो ही रात देखिए अभी जब से कोविड आया तब से इसके प्रभाव मीडिया ने समाज ने अपना काम, लेकिन हम लोगों को खुद बचने के लिए अपने आप को आगे सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए गए, मीडिया के द्वारा जागरूकता का जितना भी जागरूक किया जा सकता है उसके लिए समाज के द्वारा मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी ऑप्शन चीजें हैं हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अब समाज को खुद इस बात के लिए जागरूक है, मास्क नहीं है। आज की तारीख तक हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं आएगी, लेकिन आइए लोगों को जब तक उपलब्ध होगी तब तक उसको सावधानी आएगी, और सबसे बड़ी सावधानी है तो मास्क लगा कर। दूसरी खबर, कानपुर ने पहल करी है, उन्होंने यहाँ पर 4 महीने पर उनका मास्क बनाया, यहाँ पर किसी को भी मास्क नहीं दिया, पुराना मास्क देखे नया मास्क दिया जाता है, एक उल्लेखनीय पहल है। समाज से ये जो प्रधानमंत्री ने कहा मास्क मैं सुधीर मेहरोत्रा अध्यक्ष रोटरी क्लब कानपुर, हम लोगों ने आज यहाँ पे एक रोटरी मास्क बैंक की स्थापना करी है, जिसके तहत हम लोग लोगों को जो है नया मास्क देंगे, पुराना मास्क यहाँ जमा करवा करके। पुराना मास्क इधर उधर फेंकने से तमाम जगह संक्रमण भी फैलता है, वैसे भी आवश्यक है कि मास्क समय समय पर बदला जाए, तो जो डिप्राइव क्लास नहीं बदल पा रहा उनको हम लोग मास्क भी देंगे और पुराना मास्क जो है यहाँ डस्टबिन में डलवा दिया जाएगा, जिसका कोविड नियमों के तहत निस्तारण किया जाएगा। जो बैंक है ये कब तक चलेगा आपका? अब जब तक कोविड की समस्या रहेगी और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगी, फिर भी 2-3 महीने तो चलाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति लग रही है। यहाँ पे चालू करवाया उसके बारे में बताएं। आज के जो हमने मास्क बैंक का ये प्रोग्राम है रोटरी क्लब कानपुर ने आज यहाँ स्टार्ट किया है, कारण क्या है, हम लोग देख रहे हैं आज रोड पे भी हम लोग देख रहे थे बहुत से लोग मास्क पहन नहीं रहे हैं और बहुत से लोग वही मास्क बार बार यूज कर रहे हैं, जबकि बहुत से मास्क ऐसे होते हैं जो थ्रोएबल होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि बीमारियां जो है इसकी महामारी है ये आगे न बढ़े और जो लोगों के तक दूसरे तक न पहुंचे, इसके लिए हमने एक बहुत सुंदर पहल की है रोटरी क्लब कानपुर ने, उन्होंने एक परमानेंट यहां पर मास्क बैंक बनाया है, उस मास्क बैंक में रोज हम लोग मास्क वितरित करेंगे और उनसे कहेंगे जो पुराने मास्क उनको हैं जो है मास्क यूज एंड थ्रो वाले जो मास्क हैं वो उनको फेंक दो, नए मास्क तुरंत लगा लें। ठीक है, मास्क बैंक है आपका, ये सुबह कितने बजे खुलेगा और शाम को कितने बजे बंद होगा? 9 से 6, 9 बजे सुबह खुलेगा प्रातः और शाम को 6 बजे तक रहेगा। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।